जय श्री कृष्णा, वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे होममेड पाइनएप्पल सेम्पेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम एक पाइनएप्पल लेंगे। अब हम पहले इसकी साइड से वो निकाल लेंगे। अब हम इसके छिलके निकालेंगे। पाइनएप्पल सेम्पिन है वो इसके छिलके से ही बनती है, लेकिन हम उसमें थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल का पल्प भी रखेंगे। अब हम इसके बड़े बड़े पीस कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक ग्लास का जार लिया है। अब हम इसमें पाइनएप्पल के छिलके जो कट किए हैं वो डाल देंगे। अब हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा अदरक का कट किया हुआ डालेंगे। अब हम इसमें 1.5 ग्लास गर्म पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप शुगर डाल देंगे। इसे एक कपड़े से कवर कर देंगे। अब हम इसे टाई कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 दिन तक ऐसे ही रखेंगे और फर्मेंट होने देंगे। 2 दिन हो गए हैं, अब हम इसे खोल लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छे से फर्स्ट फर्मेंटेशन हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे एक बोतल में ट्रांसफर करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक बोतल ली हुई है। अब हम इसमें हमारी सेम्पेन है उसे ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें से हमारी आधे से भी थोड़ी ज्यादा भरकर बोतल तैयार हुई है। अब हम इसका कैप बंद कर देंगे और 1 दिन और इसे फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। ये हमारा लास्ट फर्मेंटेशन है। ये हमारा सेकंड एंड लास्ट फर्मेंटेशन होकर तैयार हो गया है और हमारी शैंपेन है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम एक बार इसे पहले सेक कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम पहले एक ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे, 2 लेमन की स्लाइस डालेंगे,